सनराइजर्स हैदराबाद और मुंबई इंडियंस, एक तरफ नवाबों का शहर, एक तरफ भाई पुनेरी पलटन, यानी कि भाई मुकाबला कड़ा होने वाला है। और लेकिन हम यहाँ पे बात करेंगे कि हैदराबाद के मैदान पर क्या कुछ यहाँ पे पिच का मिजाज रहने वाला है और क्या कुछ मौसम कहेगा, क्योंकि भाई बहुत इफेक्ट करेगा पिच और मौसम का कंडीशंस यहाँ पर। जो कोई भी टीम जीतेगी उसमें बड़ा अहम रोल रह सकता है पिच का और क्या कुछ मौसम कहेगा। भाई पहले चलते सीधे मौसम की तरफ, यानी कि मौसम क्या कुछ कहता है हैदराबाद का, जो कि सोमवार को मुकाबला होने वाला है आपसे, आमने सामने दोनों ही टीम्स होगी। भाई विनिंग मोमेंटम के साथ आ रही है दोनों टीम, पिछले दो मुकाबले यहाँ पर मुंबई इंडियंस जीत के आई और कहीं ना कहीं विनिंग मोमेंटम हैदराबाद के साथ भी है। लगातार मुकाबले हारे थे, उसके बाद जो दो तीन मुकाबले अपने पीछे जीते हैं, तो भाई कॉन्फिडेंस है उनके साथ। तो सीधा सीधा चलते पहले मौसम की तरफ। तो भाई मौसम जो सोमवार को रहेगा हैदराबाद का, यानी कि राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम का, वो थोड़ी सी गर्मी होगी, 28 से 33 डिग्री के आसपास यहाँ पर मौसम रहेगा। लेकिन प्लस पॉइंट ये है, क्या यहाँ पर बारिश एक स्पॉइल स्पॉट प्ले करेगी, क्या यहाँ पर बारिश खेल का मजा किरकिरा करेगी? जी नहीं, बारिश के कोई भी आसार नहीं है यहाँ पर, आपको पूरा फुल फ्लेज T20 गेम देखने को मिलेगा। चलते लेकिन बात यहाँ पर यही है कि दूसरी पारी में ना हल्का सा थोड़ा बहुत ड्यू देखने को आपको मिल सकता है, इसके चलते थोड़ी सी बल्लेबाजी आसान हो सकती है दूसरी पारी में। तो भाई ये है मौसम का मिजाज कि मौसम में 28 से 33 डिग्री के आसपास तापमान रहेगा, बारिश के कोई आसार नहीं है, हल्का फुल्का ड्यू देखने को मिलेगा। अब चलते हैं यानी कि पिच का मिजाज कैसा है, भाई क्या कहती है हैदराबाद की पिच। जो यहाँ पर पिच को समझेगा, जो यहाँ पर टॉस जीतेगा, उसका थोड़ा सा रोल अहम होने वाला है, क्योंकि भाई हैदराबाद के पिच है, स्पिनर्स को फेवर करती है और थोड़ा थोड़ा लेकिन स्पिनर्स को फेवर करती है। लेकिन जो पिछला मैच हुआ था यहाँ पर SRH और पंजाब के बीच, वहाँ पर हमने एक चीज़ देखी थी कि भले ही ये पिच स्पिनर्स को फेवर करे, लेकिन पिछला जो मुकाबला हुआ था वहाँ पर सबसे ज़्यादा विकेट्स सैम करन को मिली थी, बाकी जो अन्य तेज़ गेंदबाज थे वो यहाँ पर काफ़ी किफ़ायती साबित हुए थे। तो थोड़ा सा ऑपोजिट प्ले किया था इस पिच ने भी, तो इसको ध्यान करते हुए जो पिच है वो ये है कि अगर आप यहाँ पर सेटल हो जाते हैं एक बार, तो बाद में फिर आपका रन बनाना आसान होगा। बीच बीच में स्पिनर जो आएंगे वो तो आपको थोड़ा थोड़ा परेशान कर सकते हैं, इस चलते आपको थोड़े से अपने विकेट की अहमियत को समझते हुए खेलना पड़ेगा और साथ के साथ जो बीच वाला जो सरफेस है वहाँ पर वो हार्ड लेंथ हिट करनी पड़ेगी आपको। तो भाई ये है पिच रिपोर्ट और आपको मैंने बताया मौसम का मिजाज कि भाई 28 से 33 डिग्री के आसपास तापमान रहने वाला है, बारिश के कोई आसार नहीं है और साथ साथ पिच क्या कहती है, पिच ये कहती है कि भाई आपको टिक के खेलना पड़ेगा और जो पिछले जो हैदराबाद की ट्रेडिशनल विकेट होती है वो होती है स्पिनर्स के लिए फेवरेबल, लेकिन जो पिछला मुकाबला हुआ था वो सरप्राइज किया था और गेंदबाजों को यानी कि तेज़ गेंदबाजों को यहाँ पर मदद मिलते हुए आपको नज़र आई थी। आप क्या राय, क्या कुछ आपको लगता है कि यहाँ पर कौन सा यहाँ पर स्पिनर बाजी मारेगा और कौन सा बल्लेबाज सबसे ज़्यादा यहाँ पर रन करेगा? आपको जो कुछ भी लगता हो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं।